Hey guys, what's up? What's going on? Welcome to another vlog of Mom and I. यार अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो फिर और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना मत भूलना so that you can be notified whenever our new video pops out. खैर गाइज anyway, आज हम आपके लिए एक बड़ी जासू किस्म की मूवी लेके आए हैं भाई साहब. फुल ऑन थ्रिलर मूवी है भाई साहब. इतनी थ्रिलर मूवी है कि बस मतलब अगला गीला हो जाए. क्या बोला तूने? खैर anyway, मूवी जो है वो आ रही है May 3rd, 2024 को और मूवी जो है वो टीनेजर्स पे है और मूवी का नाम है टैरट. TARROT टैरट. ये पैरट नहीं है, ये टैरट है. टैरट कार्ड्स भी होते हैं जो कि अक्सर स्पेल क्रिएटर्स या कुछ ऐसे लोग जो आपका भविष्य पढ़ते हैं वो अक्सर ये कार्ड्स निकाल के और आपको आपका भविष्य बताते हैं. ठीक है ना? तो ये जो आपका टैरट होता है ये अक्सर आपका जोडियाक साइन होता है. तो खैर anyway, आगे चलते हैं. मैं आपको बताता हूँ द मूवी इज सुपर नेचुरल हॉरर और मूवी का जॉनरा जो है वो सुपर नेचुरल हॉरर है. लेट्स सी द मूवी. और मैं आपको अभी इसके बारे में एक जाने से पहले ट्रेलर में एक सबसे अहम बात बताऊं कि 1992 में एक नावल आया था बाय द नेम ऑफ हॉरोस्कोप ठीक है, बाय निकोलस एडम्स मेरा ख्याल है उस ऑथर का नाम था. उसकी नावल पे बेस्ड ये मूवी है. सो दिस अ मूवी बेस्ड ऑन अ नावल. लेट्स सी द ट्रेलर and see what this movie is all about. अच्छा वो ट्रेलर अच्छा है. वो माचिस मोमबत्ती जलाते हैं. सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने मूवी वो की है. अच्छा वो बिल्कुल वही माहौल बनाया है मोमबत्तियाँ जला के और हॉरर एक सीन और फिर ये दिखाया है वो डब्बा निकाल रही है टैरट का जैसे कोई पता नहीं कोई बड़ा कर्स्ड किस्म का जिस तरह डब्बा नहीं होता. अच्छा ये जो कार्ड्स हैं ना ये वो हैं जो आपको मैं बता रहा था टैरट वाले कार्ड्स हैं. ये जोडियाक साइंस पे होते हैं यानी जिनको हम राशि कहते हैं या व्हाट्स योर जोडियाक साइन व्हाट्स योर यू नो आपका जो स्टार साइन होता है ये वो चीज है. अच्छा मूवी का मैं थोड़ा आप लोगों को प्लॉट बता दूं. इट्स व्हेन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कॉलेज फ्रेंड्स जो हैं वो रेकलेसली वायलेट करते हैं द सेक्रेड रूल ऑफ टैरट रीडिंग. ठीक है ना? दे अननोइंगली अनलीश द अनस्पीकेबल ईविल ट्रैप्ड इनसाइड द कर्स्ड कार्ड जिस तरह वो अभी वो डब्बे से निकाल रही थी. ठीक है? वन बाय वन दे ऑल फेस कम फेस टू फेस एंड एंड अप इन अ रेस अगेंस्ट डेथ. तो सारे बारी बारी करके ये मर जाते हैं. अच्छा यहाँ पे भी वो दिखाया है वो की होल से वो जो देख रही है और कोई ईवल आ गया है. May 3rd, 2024 को जनाब साहब ये मूवी रिलीज हो रही है. मेरा ख्याल है जितने भी एविड लवर्स हैं ना जो थ्रिलर के हैं तो वो आई थिंक दे विल बी वॉचिंग दिस मूवी ऑल ओवर द वर्ल्ड. मैं तो जी पर्सनली हॉरर मूवीज़ नहीं देखता सो इट वुड बी अ नो नो फॉर मी टू वॉच दिस मूवी बिकॉज लास्ट टाइम आई एवर वॉच अ थ्रिलर वो रिंग थी और उसको देख के 3 दिन तक मैं टीवी नहीं देख सका था. But that's me. I think the people who love horror films or like horror films rather, wo they will watch this movie and it will be a blockbuster. Jo movie ka trailer dekh ke mujhe mehsoos hua hai, wo ye ho raha hai ki maine thoda research ki jo movie thi wo originally release honi thi June ki 28th ko. 28 जून को ये मूवी रिलीज़ होनी थी. उसके बाद उन्होंने कहा जी नहीं दैट्स टू लेट मूवी को हम जल्दी रिलीज़ कर देते हैं. सो दे डिसाइडेड टू ब्रिंग द मूवी ऑन May 10th, 2024 को और फिर भी डायरेक्टर्स नहीं माने तो फाइनली दे डिसाइडेड कि May 3rd, 2024 को ये मूवी फाइनली हम रिलीज़ कर दें. तो आने वाले कुछ
एक दो महीनों में इंशाल्लाह ये मूवी रिलीज़ हो जाएगी एंड इट विल बी ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड विल बी वॉचिंग दिस सुपरनैचुरल हॉरर। खैर, मूवी को राइट एंड डायरेक्ट दोनों लिखा भी है और डायरेक्शन भी जो है वो स्पेंसर कोहन और एना हेलबर्ग इन दोनों ने किया है विद स्पेंसर कोहन एज द मेन डायरेक्टर। खैर एनीवे, मेरा जहाँ तक ख्याल है इन जॉनरा ऑफ सुपरनैचुरल हॉरर, आई थिंक दिस मूवी इज गोइंग टू डू फेयरली वेल इन द मार्केट। इफ नॉट अ लॉट, आई थिंक ये काफ़ी एक जो रेवेन्यू है वर्ल्ड सिनेमा का हॉरर जॉनरा के अंदर, दैट इट विल गेज एंड मेरा जहाँ तक ख्याल है इफ़ नॉट मोर 3 मिल 4 मिल तक तो ये मूवी बिजनेस अपना कर लेगी और मोर परहैप्स। बट आई थिंक कि जिस तरह मैंने आपको कहा भी कि आई एम नॉट इनटू हॉरर फिल्म्स, सो आई वुड गिव अ रेटिंग ऑफ एंड अ वेरी कैंडिड वन, आई वुड गिव इट अ रेटिंग ऑफ अबाउट 5.5 टू दिस मूवी। खैर गाइस, ये था हमारा बड़ा कैंडिड सा एक रिव्यू। डू लीव अस योर पब्लिक रिव्यूज इन द कमेंट बॉक्स बिलो और लिख के बताइएगा हाउ यू लाइक्ड दिस रिव्यू। इट्स नॉट अ वेरी वो कहते हैं ना स्पाइसी सा या कोई मजाकिया नहीं है, बिकॉज द मूवी इज़ वेरी सुपरनैचुरल हॉरर। मैं तो जब भी देखता हूँ मेरे थोड़ी सर में दर्द शुरू हो जाती है। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैवंट वॉच्ड और लाइक्ड मॉम एंड आई, डू वॉच इट नाउ एंड टेक केयर गाइस, गॉड ब्लेस, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।